मारपीट के मामले पर पुलिस ने जात पक्षीय साठगांठ कर छेड़खानी की धारा में मामला किया दर्ज। रास्ते को लेकर यादव परिवार से चल रही थी पुरानी रंजिश। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की मांग। हमीरपुर आए सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से भी पीड़ित परिजनों ने रोया दुखड़ा। सांसद चंदेल ने तत्काल SHO सुमेरपुर में फोन पर निष्पक्ष कार्रवाई की कही बात। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचखुरा बुजुर्ग गांव का है। सर जो है कल अचानक घटना घट गई, जो है मेन तो पहले रास्ता की दिक्कत है, रास्ता के लिए बहुत दिन से हम लोग परेशान है, रास्ता अभी तक नहीं खुला, हम लोग निकलने चलने में बड़ी परेशानी होती है। ग्राम प्रधान को कई बार बोला, वो ग्राम प्रधान उन्हीं लोगों से मिले हुए हैं, वो ग्राम प्रधान अजीत यादव हैं, और यादवों की वो जमीन है, वो वहाँ से निकलने नहीं देते हैं। और कल वो मेरा बड़ा भाई वहीं से हमेशा हार खेत जाता है, वहीं से निकलते समय जो है उनको डेली आए दिन गाली गलौज करते थे। कल उसने पूछ लिया कि गाली गलौज क्यों करते हो भाई, और किसको गाली देते हो रोज, तो बोले तुम ही को गाली दे रहे हैं और किसको देंगे। और दुनिया भर की गाली देने के बाद उसके बाद जो है घर भर सारी उसकी लड़कियां वगैरह और उसके लड़के लपेट लगे, उसको मारने पीटने लगे, और उसको जो है छुड़ा करके जैसे वो भागा वो फिसल करके गिर गई और जो है उसके चोट लग गई है सर में, उसके उसी के हस्बैंड ने डंडा मारना चाहा मेरे भाई पे, वो लग गया उसी को, जिसमें वो घायल हो गई और फर्जी मुकदमा हमारे लगाया जा रहा है। और जिसमें जो थाना सुमेरपुर गए जी गए थे, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, जो भी मतलब जो कर थाना सुमेरपुर गए जी सर गए, क्या हुआ? तो वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर अजीत प्रधान पहले से मौजूद थे। अजीत कौन है? प्रधान है, ग्राम प्रधान मतलब वो प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी है प्रधान। तो जिसमें कि उनको जो है कुर्सी में बैठाला गया और उनकी रिपोर्ट लिखी गई, हम लोग वहाँ बैठे रहे, हमारी एप्लीकेशन ले ली गई और वो पता नहीं फाड़ के फेंकी गई या रख ली गई, पता नहीं है, हमारा कुछ हुआ नहीं। और उसमें जो है फर्जी छेड़खानी का मुकदमा हम लोगों पे लगाया जा रहा है। जबकि आप लोग वहाँ थे कि नहीं थे? जी हम मौके पर, हम दो भाई नहीं थे, हमारा मुझसे बड़ा वाला भाई था माधव। और ये छेड़खानी का मैटर तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं है वहाँ पर गांव में, अच्छे से सबसे पता कर लिया जाए, पूछ लिया जाए, जिसमें कि जो है जहाँ पर हम काम कर रहे थे वहाँ पर पता कर लिया जाए हम कहाँ पर थे कहाँ पर नहीं थे। मारपीट का और ये रास्ते का मेन मुद्दा है। मिले हैं यहाँ पर आज हम मिले सर SP साहब से और जिलाधिकारी साहब से, उनके पास गए थे वो मिले नहीं, माननीय सांसद जी से मिले हैं। सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया? सांसद जी ने यही आश्वासन दिया है कि जो है आपके साथ में निर्णय होगा, जो जो सही है वही किया जाएगा। भरुआ सुमेरपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट।